नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया सर अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ईयर में आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए में एडमिशन लिया है सो उन बच्चों को ना ये डाउट आ डा रहा है कि भैया हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस के सर देखो आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है बीबीए के अंदर वो काफी ईजी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेवन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कि दो सब्जेक्ट्स तो आप लोगों के फालतू टाइप्स हैं मतलब उसके अंदर एक सब्जेक्ट में आपको फाइल बनानी है और एक सब्जेक्ट जस्ट ऐसे ही बना रखा है मतलब उसको तो ऐसी ही डाल रखा है तो बच्चे आपके टोटल टोल सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें से एक दो सब्जेक्ट्स इजी हैं और बाकी एक दो सब्जेक्ट्स एक अकाउंट एक मैथ्स एक इकोनॉमिक्स तो हाँ, उनके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर वन सब्जेक्ट से जिसका नाम है एम मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सो ये सब्जेक्ट है जिसकी मैंने पूरी पूरी सीरीज भी अपलोड कर रखी है तो इसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यह सब्जेक्ट आप लोग मेरी ही सीरीज से पढ़ सकते हैं इसमें बस एक यूनिट नहीं है वो मैं आप लोगों की डाल दूंगा इस सब्जेक्ट के क्रेडिट कितने इसके हैं चार क्रेडिट्स आप लोग जैसे कि आईपीएन में नए नए आए हैं या फिर कॉलेज में ही आप नए नए आए हैं सो आप लोगों को नहीं पता हुआ क्रेडिट सिस्टम क्या होता है तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है बट हाँ एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा पता चलेगा कि क्या होते हैं इनका यूज़ क्या होता है आगे चल के आपके कि किस काम आएंगे अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स तो बिजनेस मैथमेटिक्स आप लोगों का पूरा मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है इवेवन ट्वेल्थ की मैथ्स आएगी इसके अंदर सो so, हाँ ये थोड़ा सा टफ हो जाता है जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी उन बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन लगवानी पड़ेगी सिंपल सी बात है तो आप ट्यूशन अभी से लगवा लो दिसंबर के बाद एग्जाम आप लोगों के एंड दिसंबर में आप लोग एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो जनवरी की स्टार्टिंग में आप लोग एग्जाम होने वाले हैं सो प्रिपेयर रहो उसके लिए और ट्यूशन वगैरह लगा लो की अभी से क्रेडिट्स इसके भी है थर्ड सब्जेक्टियलिसलेवें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस ट्रेडिंग एंड पलट तो बहुत तो सारी डेन वगैरह सब कुछ आप लोग इसमें आने वाला है फाइनेशियल अकाउंटिंग आपकी वो भी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यह भी है बस ये थोड़ा सा हायर लेवल आएगा so आप लोग इसके अंदर आप लोगों पूरी अकाउंट पढ़ने तो प्रिपेयर रही है इसके भी चार क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है आप लोगों का बिजनेस इकॉमिक इसके भी चार क्रेडिट्स हैं तो बिजनेस इकॉमिक्स का है जिसके आप लोग इको पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवन ट्वेल्थ में जो इको पढ़ी है वो आप आने वाली है so इसके लिए भी आप लोग, इसके लिए आप ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ट्राइ करूंगा कि मैं इसकी दूसरी हाँ सब्जेक्ट से कव अपनी नहीं करवा सकता मेरे को भी बहुत ज्यादा टाइम लेके पहले पढ़ना पड़ेगा फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा पढ तो इसके लिए वीडियो लाना थोड़ा मुश्किल है बट आई विल ट्राई मैं आप लोगों के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा इस सब्जेक्ट के भी आप लोग आई टी एप्लीकेशन इन बिजनेस और सब्जेक्ट है तीन क्रेडिट्स का बाकी सारे चार के वाला तीन क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसके अलावा इस सब्जेक्ट आप लोग कंप्यूटर बारे पढ़ने वाले सब्जेक्ट नाम पहले बेसिकली कंप्यूटर ही होता था, था अब इसको कर दिया गया आई टी एप्लीकेशन इन बिजनेस मतलब बिजनेस के अंदर आप लोग कैसे कैसे आई टी चीजों को लगाते हैं बेसिकली आप लोगों को कंप्यूटर्स तो का थोड़ा सा बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट पढ़ाएंगे तो इन सब आप लोग पढ़ लेना ईजी लगेगा सब्जेक्ट आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग एक क्रेडिट वाला आई टी लैब मतलब इसी का लैब सब्जेक्ट है उसके अंदर आप को एक फाइल बनानी पड़ती है दो सब्जेक्ट जो है आप लोग को एग्जाम फाइनल में नहीं देना पड़ेगा और इसका कोई वाइवा भी नहीं होगा अलग से कुछ होगा नहीं इसका टीचर पर डिपेंड करता है कि टीचर आप लोगों का क्या लेगा क्या वो आपसे कोई केस स्टडीज बनवाएंगे क्या वो आपसे मतलब ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे मतलब उनके ऊपर है वो कुछ भी करवा सकते हैं उन वो आपकी एक एक्टिविटी करवा सकते हैं उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दे सकते हैं सौ नंबर ही मिलते हैं तो सौ में से आपके कितने भी मार्क्स लग सकते हैं और आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स हैं बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में ट्वेंटी तो ट्वेंटी में से आप लोग ट्राई करो अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट्स में पास होते हो तो भैया कितने क्रेडिट मिलेंगे सारे सब्जेक्ट में अगर लाइन पर भी पास हो रहे हो ठीक है एच पर भी पास हो रहे हो सो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे पूरे ट्वेंटी मतलब क्रेडिट्स मिलेंगे पूरे ट्वेंटी तो आई होप आप लोग समझ मैं हुआ कि आप लोग के कौन-कौन से -कौन सब्जेक्ट्स हैं इन सात सब्जेक्ट्स में क्या-क्या पढ़ना है बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो नहीं तो मेरे को दिए गए नंबर पर WhatsApp कर सकते हो मैं मिलता तो हूं आपसे अगली वीडियो में बिकलेट नहीं धन्यवाद